हिमाचल के जिला कांगड़ा में सूरजपुर स्थित ट्यूलिप फॉर्मुलेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बिना किसी अनुमति के रेमडेसिविर इंजेक्शन बना रही थी। इस रेमडेसिविर की कालाबाजारी मामले का खुलासा इंदौर क्राइम ब्रांच ने किया। इंदौर क्राइम ब्रांच ने इस मामले में एक शख्स को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। पुलिस के माने तो आरोपी के पास से नकली रेमडेसिविर के 16 बॉक्स मिले हैं, जिसमें से एक बॉक्स में 25 के करीब इंजेक्शन थे। वहीं जिलाधीश राकेश प्रजापति के माने उनके जिले के इंदौरा उपमंडल में इस तरह का वाकया सामने आया है या उनके जहन में है। उनसे संबंधित अधिकारियों और पुलिस विभाग को इस बार अलर्ट किया गया है, साथ ही तुरंत जानकारी जुटाने की बात कही। उन्होंने कहा जैसे ही उनके पास पूरे मामले की जानकारी मिलेगी वह उसे जरूर सार्वजनिक करेंगे। जानकारी के अनुसार ट्यूलिप फॉर्मुलेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पिछले साल लॉकडाउन लगने के बाद बंद थी। वहीं अगस्त 2020 को इंदौर के रहने वाले आरोपी ने ही कंपनी में फिर से उत्पादन शुरू करवाया था और स्टाफ को हर महीने सैलरी भी वही दे रहे थे। कंपनी में वर्तमान में 7 कर्मचारी काम कर रहे हैं, इनमें से 2 सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल है। इस पूरे मामले को लेकर असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर धर्मशाला आशीष सुरैना से इस बात बातचीत करनी चाहिए। उनके धर्मशाला स्थित कार्यालय में ताला लटका हुआ था, जबकि उनका मोबाइल फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था।